फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत जल्दी कोशिश करके आज मॉर्निंग से फ्रेश वगैरह होके फिर आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़, अगर चैनल पे न्यू होंगे फ्रेंड्स तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा भी लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे एक बात और कहना है, जो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं ऐसा, मुझे अच्छा लगता है देख के। और आप सब कैसे हैं? बढ़िया है ना? और अगर बढ़िया है तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, चलेगा मुझे। स्टार्टिंग का कमेंट भी चलेगा, पूरा नहीं भी देखे तो भी। और आप सब कैसे हैं? तो बस मैं फ्रेश वगैरह हो ली हूँ, सारा घर का काम खत्म हो चुका है, सिर्फ बेडशीट चेंज करना है, तो वो थोड़ी देर बाद मैं करती हूँ। और आज मैं नाश्ता वगैरह भी हो चुका है, बस ऐसे ही ब्रेड सेककर और चाय, बस यही किए नाश्ता, और कुछ भी स्पेशल नहीं। तो मैं जा रही हूँ मटर पनीर का सिंपल सा ही सब्जी बनाने, और साथ में जीरा राइस, और मैं कुछ अमेजोन से मंगवाई हूँ, वो भी बीच में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, तो एंड तक प्लीज़ बने रहिएगा। और अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बात करने का, फटाफट काम करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और चाय बना ली हूँ और हस्बैंड को चाय दे दी हूँ। साथ में मैं मटर पनीर का सब्जी बनाने के लिए तैयारी भी कर ली हूँ। तो बस कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया, इसके बाद ऐड कर दी हूँ रिफाइन ऑयल डालने के बाद सारे पनीर को ऐड कर दे रही हूँ। आज मैं मटर पनीर का ही सब्जी बना रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से सब्जी बना रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी कर दे रही हूँ। बिना काजू और बिना क्रीम ऐड किए मटर पनीर का सब्जी बना रही हूँ। अच्छे से पनीर को फ्राई करने के बाद ना ठंडे पानी में ऐड कर दे रही हूँ, जिससे कि पनीर ना सॉफ्ट रहता है ठंडे पानी में डाल देने से। इसके बाद इसी कढ़ाई में और तेल ऐड कर दी हूँ, फिर डाल दी हूँ जीरा, तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च, हल्का सा फ्राई करके ऐड कर दी हूँ बारीक चॉप ढेर सारा प्याज, और यहाँ पे थोड़ा नमक डाली हूँ जिससे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। और मैं मसाला पीसी हूँ फ्रेंड, वो क्लिप मिस हो गया है, तो मैं मसाला पीसी हूँ, वो मैं आगे बता दूंगी क्या पीसी हूँ। यहाँ पे डाल दी हूँ फ्रेंड्स मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, और यहाँ पे ऐड कर दी हूँ पेस्ट जो मैं तैयार की थी वो भी, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून शाही पनीर मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला। और मैं मसाला यहाँ पे ऐड करी हूँ फ्रेंड्स, मिक्सी में पीस के रखी थी वो क्लिप मिस हो। मैं ऐड करी हूँ फ्रेंड्स टमाटर और 2 लौंग, 2 इलायची का ना साथ में पीस करके पेस्ट, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं डाली हूँ। और साथ में लहसुन, अदरक भी नहीं, सिर्फ लहसुन, टमाटर, लौंग, इलायची का पेस्ट ऐड करके, और फिर अच्छे से मसाला को मिक्स कर ली हूँ। इसके बाद ऐड कर दी हूँ फ्रेंड्स हरा वाला मटर जो पैकेट का आता है, फ्रोजन मटर, और साथ में पनीर। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद यहीं पे जितना टेस्ट के लिए चाहिए उतना टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और सारे सब्जी को मिक्स करके ढक दूंगी, जिससे कि सब्जी कुछ देर में पक जाएगा। और साथ में जीरा चावल भी मैं बैठा चुकी हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, अमेजोन से जो मैं बोल रही थी ना, ये देखिए ये कल ही आया है, तो 925 cc एलेक्मे का क्रीम मंगवाई थी, और साथ में मंगवाई थी फ्रेंड्स मामा अर्थ का ये हेयर ऑयल मंगवाई थी ऑनियन का, बहुत अच्छा रहता है हेयर के लिए, मैं भी ट्राई करके देख रही हूँ, हेयर फॉल बहुत हो रहा है इस वजह से। फ्रेंड्स ये ना मामा अर्थ का जो मैं तेल मंगवाई हूँ ना, इसको मैं लगा के भी दिखाती हूँ अपने हेयर पे, नहीं मैं शाम को लगाऊंगी, फिर रात भर रखूंगी, फिर कल धो दूंगी। ये अभी ना चल के मेरे हस्बैंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको बोली हूँ कि इससे लगाऊंगी। गौरव त्यागी को आप लोग जानते होंगे ना, उनका ब्लॉग देखते हैं तो वो भी लगाता है मामा अर्थ का ही तेल, तो उनको मैं अभी बोली हूँ कि मैं आपके सर में लगाऊंगी, तो आप लोग भी देखना और इंजॉय करना। चलो तुम ही खाओ, तुमको बहुत भूख लगता है, ये रात का जो चावल बचता है ना, रात का चावल बचा मैं सब्जी बना ली, बहुत सुगंध आ रहा है, बहुत सुगंध। अभी मैं थोड़ा सा पहले खा लूं, ठीक है प्रूफ, और ये मैं तेल लगा के दिखाती हूँ, ठीक है लगाऊ ना मैं आपको तेल, एक्सपेरिमेंट, मान लो बाल अगर आपका झड़ना होगा तो पूरा बाल आपका झड़े, मेरा ना। खाओगे भी साथ में? कैसा बना है, टेस्टी है कि ऐसी नॉर्मल बोल रहे खुश करने को? नहीं मैं दिखाओ अपना सर, नहीं करना है बस, खाली ऐसे लगा दूं बस तेल, इसके बाद आप भी लगाओगे ना मेरे बाल में? अच्छा दो, तो मैं तो एक देख देख के लगा रही हूँ ना,
इनको एकदम चंपू बनाऊंगी। खुशबू तो अच्छा है इसका, ऑनियन ऑनियन नहीं है। इसके बाद मेरी टन ना, ठीक है और लगाऊंगी, देखो ऑयल ऑयल हो गया। हाँ लगाओ पूरा चारों तरफ। ओह माय गॉड, या तो खा लो या तो तेल लगवा लो। फेस पे भी थोड़ा थोड़ा फैला देती हूँ, यहाँ थ्रेडिंग में भी थोड़ा सा लगा दूँ। अरे ग्रोथ अच्छा होगा, सच बता रही हूँ। तुम्हारा सारा तेल हाथ में लग गया। तो कैसे लगाऊँ, ऐसे से हाथ से भी फैलाती हूँ ना। देखो इतना सारा तेल लगा दिया, अभी और लगाऊँ? हाँ इधर इधर तो एकदम नहीं लगा है। दिखाओ इधर सामने भी लगा दूं, पीछे पूरा लगाई हूं। पीछे तुम चंपू चंपू बना दियो, ठीक है? कहीं पे भी आप सर मत रखना, नहीं तो फिर तेल लग जाएगा बिना टॉवल रखे। हो गया ना? और खाना है आपको? थोड़ा मसाज कर। ओह माय गॉड, फिर आप भी करोगे ना मेरा मसाज? ठीक है। जल्दी फिनिश करो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा फिर ऐसे बाल मतलब ऐसे करते हुए और नीचे खाना भी ये भी। कितना मैं करती हूँ सेवा आपको पता है? करती हूँ ना, हाँ बोल दो ना। करूँ ऐसे? हाँ? लेकिन मेरा हाथ भी थक जाएगा। मालिश करने वाला ऐसे ऐसे करता है, ऐसे पूरा आंख में भी ऐसे लगा देता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कानून को भी हिला देता है। सच में मैं देखी हूं, बहुत हो गया। ठीक है ना, सर्विस ज्यादा नहीं मिल पाएगा, इतने भी इतना ही मिल पाएगा। हो गया ना, यू हैप्पी? पूरा चंपू बन जाऊं। लगाने आता है आपको? ज्यादा मत लगाना प्लीज, थोड़ी सी बस। एकदम सड़ा बना दोगे मुझे, मैं एकदम अच्छी से अभी अभी फ्रेश हुई हूँ। हो गया? हो गया, पागल हो गया। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पीछे लगा दो, बस ना ज्यादा ज्यादा तेल मत लगाओ प्लीज प्लीज। तो काहे ला तेल मंगाए? हां मैं रात में लगा के और फिर सुबह वॉश करने के लिए। हस्बैंड के सर में ऑयल लगाने के लिए, लेकिन फिर उनको लगाने के बाद वो बोले कि लाइए आपके बाल में मैं भी लगा देता हूँ।
तो बस आप लोग के साथ ये भी शेयर कर दी हूँ, क्योंकि कई लोग का कमेंट रहता है हस्बैंड को भी दिखाने, तो ये देखिए मेरे हस्बैंड को भी मैं आज शेयर की हूँ। और बस फ्रेंड्स, इसके बाद मैं खाना खा ले रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो रात का थोड़ा सा राइस बचा था ना, तो ऐसे ही नाश्ता टाइप लेके खा लिए हैं, तो वो कुछ देर बाद खाना खाएंगे। तो बस मैं खा ले रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं पनीर का कलर कितना प्यारा आया है, बहुत टेस्टी बना था। तो बस मैं अपने लिए जीरा राइस और पनीर का सब्जी ले ली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बस उस खाना खाने के बाद फिर मैं गायब हो गई, क्योंकि मशीन में भी कपड़ा डला हुआ था, फिर उसको भी इधर उधर डाली, और इसके बाद फिर मैं सो गई। फिर मैं आप लोग से अभी मिल रही हूँ। तो बस हम लोग कुछ देर पहले ही सो के उठे हैं, और फिर चाय वाय पी लिए। इसके बाद मैं ब्लॉग कुछ भी शूट तो नहीं करी, तो इस ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी लॉन्ग हो गई है। तो चलिए और देखिए कैसी लग रही हूँ मैं तेल लगा के, शैम्पू नहीं लगाती हूँ मैं, बहुत ना कम तेल लगाती हूँ, क्योंकि मुझे तेल लगाने के बाद बहुत ही चंपू सा फीलिंग्स आता है। तो बस वही मामा अर्थ का तेल मंगवाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था इस वजह से। देखते हैं ट्राई करके, अगर अच्छा रहा तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।